Dear students, welcome to learning management system of Saath, Kamyabi Hamare Saath. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 जो के सॉल्यूशन में से है. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स टू डिसॉल्व हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है. 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए मोलर मास डिसॉल्व करना होता है. जैसे देखें, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज तो उसका मोलर मास 180 ग्राम है, ये डिसॉल्व कर दें 1 मोल के लिए. तो अगर 180 ग्राम डिसॉल्व करें, 1 मोलर होगा, हमें कितना चाहिए 0.5 मोलर. तो आप 180 को आधा कर दें, 90 ग्राम डिसॉल्व करेंगे तो आधा रह जाएगा. तो इसका आंसर बन जाएगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 2, मास ऑफ ग्लूकोज दैट शुड बी डिसॉल्वड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस द सेम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज इज प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया. अब यूरिया का 1 ग्राम है, आपने बताना है ग्लूकोज कितने ग्राम चाहिए. वेरी सिंपल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम, 1 मोल ऑफ यूरिया 60 ग्राम. दोनों के मोलर मास की रेशियो निकालें. यूरिया 860 है, ग्लूकोज 180 है, रेशियो कितनी बनी 1:3 की. इसका मतलब है अगर यूरिया 1 ग्राम चाहिए होगा तो ग्लूकोज 3 ग्राम चाहिए होगा, क्योंकि मोलर मास की रेशियो 1:3 की है. तो यूरिया 1 ग्राम है, मींस ग्लूकोज 3 ग्राम है. नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेन्स कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोज द रॉल्ट्स लॉ. रॉल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें अट्रैक्शन सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है, और हीट में कोई चेंज नहीं आती. तो इसका आंसर होगा जिसमें अट्रैक्शन सेम रहती है, सी बन जाएगा, क्योंकि रॉल्ट्स लॉ फॉलो करने के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए 3 बातें जरूरी हैं. क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉल्यूशन ऑफ एथानॉल इन वाटर. डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन चेंज होगी, क्यों, वाटर 2 हाइड्रोजन बांड बनाता है, एथानॉल 1 हाइड्रोजन बांड बनाता है. तो वाटर और एथानॉल के दरमियान कितने बांड बनेंगे, 1. अट्रैक्शन कम हो गई, अगर अट्रैक्शन कम हो जाए तो वॉल्यूम और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है. तो देखिएगा, चेंज इन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन डिक्रीज हुई है. अट्रैक्शन डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि वाटर 2 हाइड्रोजन बांड बना रहा था आपस में, लेकिन एथानॉल के साथ 1 बनाना पड़ेगा. अट्रैक्शन डिक्रीज हुई तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगी. तो ये आंसर बन जाएगा शोज पॉजिटिव डेविएशन डी. 5, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, और एक्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, सी आंसर बन जाएगा. सॉरी, ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ए आंसर बन जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विद इंक्रीज इन प्रेशर. जैसा कि देखें, आप कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिल की होती है, तो वो अंडर प्रेशर फिल की होती है, प्रेशर ज्यादा करके कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा डिसॉल्व कर दी जाती है, और जो ही प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में से बाहर निकलना शुरू हो जाती है. यानी जब आप उसका लिड खोलते हैं तो CO2 निकलना शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम किया, प्रेशर कम किया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. तो इसका आंसर बनेगा डी. क्वेश्चन नंबर 7, विच वुड एक्सप्लेन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. डियर स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक कंडीशन क्या है, सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी सॉल्यूट आयन ना बनाए. तो अगर कोई सॉल्यूट आयन बना रहा है तो एबनॉर्मल होगा. ग्लूकोज आयन बनाता है, नो. सुक्रोज, नो. NaCl, यस, ये आयन्स बनाता है. तो ये क्या कर देगा, ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, बीटा. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट करेक्ट. कौन सी करेक्ट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, नो, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन डिक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ नेफ्थलीन,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इंक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ टोलुइन. ये ठीक है कि जब बेंजीन में टोलुइन ऐड करते हैं तो सोल्यूट ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जबकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. तो ये डी बनेगा. 9. एक्वस सॉल्यूशन दैट हैज द लोएस्ट वेपर प्रेशर. सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे. जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम. नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा. ये की है, ये ट्रिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का. इतना छोटा सा ये याद कर लें, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद हो जाती. अब देखें बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर लो होने से क्या मराद है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने से क्या मराद है? नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे. तो पार्टिकल सबसे ज्यादा सोडियम फास्फेट में होते हैं, Na3PO4. चार होंगे, तीन सोडियम एक फास्फेट. बेरियम क्लोराइड, एक बेरियम दो क्लोराइड, तीन है. सोडियम क्लोराइड दो है, ग्लूकोज एक ही है. तो इसका आंसर अल्फा बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज मेजर्ड इन यूनिट्स. तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हम बहुत थोड़ी अमाउंट में पोल्यूशन होती है तो उसके लिए हम ppm यूनिट यूज करते हैं, स्मॉलर अमाउंट्स के लिए. जैसे वाटर में पोल्यूशन बतानी हो, एयर में पोल्यूशन बतानी हो, तो ppm यूनिट यूज किया जाएगा. डी. 11. विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन में वॉल्यूम इज ग्रेटर, नहीं, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं होता. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर, नो, एंथैल्पी भी चेंज नहीं होती. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज स्मॉलर, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं होता. तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा, डेल्टा. 12. 3.6 ग्राम ऑफ HCl इज डिसॉल्वड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर. द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl. पहले तो हमें मोल निकालने पड़ेंगे HCl के. मैस ओवर मोलर मैस, मैस कितना है? 3.65. मोलर मैस इसका होता है 36.5, तो 0.1 मोल बन गए. वाटर का 18 ग्राम है, सीधा सीधा एक मोल. अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल. मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? HCl का. कितने मोल है? 0.1. और नीचे टोटल दोनों को मिला के कितने बनेंगे? 1.1. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे, 1/11. तो इसका आंसर अल्फा बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. सुक्रोज आयन ही नहीं बनाता, एक ही पार्टिकल. NaCl में दो, KCl में दो. बेरियम क्लोराइड में तीन आएंगे तो बीटा आंसर बन जाएगा. एक बेरियम है और दो क्लोराइड है. 14. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है नॉन आइडियल सोल्यूशन है. अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको प्योर ही नहीं कर सकते. नाइदर वाटर नॉर एथानोल इन प्योर स्टेट आप प्योर कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है. 15. द शुगर सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कंटेंस. अब शुगर आइंस तो बनाती नहीं है, ना ही एटम बनाएगी, क्योंकि शुगर तो C12H22O11 ऐसे ही रहेगी फ्री मॉलिक्यूल की शक्ल में. ना तो इसमें आइंस होते हैं ना फ्री एटम, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व होता है, तो फ्री मॉलिक्यूल सी. 16. विद चेंजेस विद टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ वो चेंज होगा जिसमें वॉल्यूम आएगा, और इनमें से वॉल्यूम किसमें आता है? मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. जहां वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाएगा, तो ये मोलैरिटी आंसर बनेगा इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद टेम्परेचर. यहाँ आंसर डियर स्टूडेंट्स गलत लगा हुआ है. आंसर बीटा है, मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी. तो इसका आंसर बी बन जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी चेंज होती है टेम्परेचर से, मोलैरिटी चेंज नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 17. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ये तो रॉड्स लॉ है, सीधा सीधा बीटा आंसर बनेगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन. इसी तरह डियर स्टूडेंट 18. व्हेन 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला CH2O इज डिसॉल्वड इन 1.2 किलोग्राम वाटर द सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.93 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये सारा ऐसे फिल्म चलाई हुई है स्टेटमेंट की, आपने स्टेटमेंट नहीं देखना. एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं, तो आप इसका मल्टीपल चेक कर लें. अगर मल्टीपल करेंगे कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, तो किस में है? डेल्टा में. मल्टीपल करेंगे तो कार्बन डबल 2 से मल्टीप्लाई करें हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन डबल, डी आंसर बन जाएगा, और कोई इसमें ऐसी टेंशन नहीं है. 19.
A solution of glucose is 20% का मतलब होता है डियर स्टूडेंट 20 in 100, 5% 5 in 100, 2% 2 in 100, तो 20% 20 gram in 100 gram, 1 gram कितने में होगा, ये 20 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब उसने कितना पूछा, 1 gram mole, 1 gram mole क्या होता है, मोल, मोल कितने में होगा, 180 ग्राम मोल है तो 180 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक मोल में निकालना है, 20 में, 20 100 में है, 100/20 और 180 कितने में होगा, इसको सॉल्व करें 900 आंसर आ जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन एडिंग टेबल साल्ट इन वाटर, जब भी सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑप्शन बनेगा डेल्टा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जब भी सल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज है, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, तो ये डी आंसर बन जाएगा। 21, 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्वड इन 45 ग्राम वाटर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, तो सोल्यूट यहाँ कौन सा है, यूरिया, हमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैसे, देखिएगा यूरिया के मोल, मैस 3, मोलर मैस 60.05, मोल्स ऑफ वाटर 45/18 2.5, अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, उसके मोल 0.05, टोटल 2.55, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 5/255, जो कि 1/51 बन जाएगा, यानी अल्फा आंसर हो जाएगा। 22, अल्कलाइन और एसिडिक नेचर ऑफ विच सॉल्यूशन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय पीके, ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिड और बेस दोनों वीक हों, वो एसिड और बेस वीक हों तो पीके से पता चलता है, जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना है, HCl तो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है, सोडियम कार्बोनेट NaOH से बना है, स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम नाइट्राइट दोनों वीक है, अमोनियम भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और नाइट्राइट HNO2 से है, तो सी आंसर बन जाएगा। जब भी एसिड भी वीक हो बेस भी वीक हो तो उनसे जो साल्ट बनेगा उसके हाइड्रोलिसिस का पता, उसकी एसिड बेस स्ट्रेंथ का पता पीके से चलेगा, तो सी बन गया। 23, बीन्स आर कुक्ड रैपिडली इन प्रेशर कुकर बिकॉज, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो कुकिंग इजी हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर अल्फा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर बढ़ गया प्रेशर कुकर में, और प्रेशर बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो कुकिंग आसान हो जाएगी, क्यों, उसको ज्यादा हीट मिलेगी। 24, which of the following do not show continuous curve, याद रखिएगा जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो कंटिन्यूस कर्व शो नहीं करते, डिसकंटिन्यूस, क्यों, क्योंकि जब इनको हीट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और होती हैं, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अगर कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल हो तो ब्लू कलर होता है, कोई भी ना हो तो कलरलेस होता है, तो इसलिए जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो डिसकंटिन्यूस, बाकी सारे कंटिन्यूस अल्फा। 25, 600 सेंटीमीटर क्यूब 2 मोलर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 400 सेंटीमीटर 3 मोलर सॉल्यूशन, जब भी मिक्स सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी हो तो ये फार्मूला लगाते हैं m1v1+m2v2 और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, अगर 3 होते तो प्लस m3v3 करके नीचे क्या कर देते v1+v2+v3, m1 कितना है 2 मोलर, v1 कितना है 600 मल्टीप्लाई कर दें, m2 कितना है 3, V2 कितना है 400 मल्टीप्लाई करें, टोटल 600+400, ये 1200, ये भी 1200 डिवाइडेड बाय 1000, 2400 1000, और ये आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2.4, यहाँ इक्वल का साइन आएगा, तो ये 2.4 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा बीटा। 26, व्हेन व्हाइल बॉइलिंग एग, इट इज कॉमन टू ऐड NaCl इन बॉइलिंग वाटर, जब अंडे बॉयल करने होते हैं तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है, नमक डालने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो हीट ज्यादा मिलेगी, हीट ज्यादा मिलेगी तो एग प्रॉपरली और जल्दी कुक हो जाएगा चार्ली। 27, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल काज
टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होता है, मोलैलिटी नहीं होता, मोल फ्रैक्शन नहीं होता, वेट बाय वेट नहीं होता, तो बीटा पे होता है। फार्मूला क्या है मोलैलिटी का, एम इज इक्वल टू एन ओवर वी, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो एम कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन मोलैलिटी बीटा। 28 यूनिट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये मोल्स की रेशियो होती है डेल्टा। 29 व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्वड इन वाटर द सोडियम आयन इज, डियर स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एक NaOH और दूसरा HCl से बना है, इसका मतलब है इसका हाइड्रोलिसिस तो हो नहीं सकता, ये सिर्फ हाइड्रेट करेगा, यानी सोडियम आयन को भी वाटर सराउंड कर लेगा, क्लोराइड आयन को भी सराउंड कर लेगा, तो दोनों आयन हाइड्रेट हो जाएंगे डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 बेंजीन ईथर कैन फॉर्म, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो इसका मतलब है ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का पेपर, थैंक यू वेरी मच।